नमस्कार, मैं अप्पके कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम आपको बताएंगे कि आपके बेगूसराय के होने वाले सांसद के पास कितना पैसा और कितने अमीर हैं। दिल्ली में स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र संघ से राजनीति की पारी शुरू करने वाले कन्हैया कुमार के पास न कोई घर है न ही कोई गाड़ी है। हालांकि उन्हें अपनी किताब से कुछ कमाई हो जाती है। लोकसभा चुनाव 2019 में बेगूसराय लोकसभा सीट से बतौर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। उतरे कन्हैया की सालाना आय 8.5 लाख रुपए है। नामांकन का पर्चा भरने के दौरान दिए हलफनामे के अनुसार कन्हैया के पास 24,000 रुपए नगद और बैंक में कुल 3,57,884 बचत के रूप में है। उनके पास कोई कृषि योग्य भूमि नहीं है। कन्हैया एक अचल संपत्ति के मालिक है जो बेगूसराय में बीहट में उनका पैतृक घर है। हालांकि इस घर में उनके परिवार के अन्य सदस्यों जैसे कि भाई बहन की भी हिस्सेदारी है। हलफनामे में इस घर की कीमत 2 लाख रुपए बताई गई है। उनकी आय का मुख्य साधन उनकी लिखी पुस्तकें और विभिन्न संस्थानों में दिए गए व्याख्यान हैं। बेगूसराय में चौथे चरण के तहत 29 अप्रैल को मतदान था। मतों की गिनती 23 मई को होगी। खुद को बेरोजगार बताने वाले कन्हैया ने अपने चुनावी हलफनामे में 2018-2019 में अपनी कुल आय 2,28,290 रुपये बताई है, जबकि 2017-18 में उन्होंने अपनी कुल आमदनी 6,30,360 बताई है। कन्हैया द्वारा लिखित हलफनामे के मुताबिक उनके पास मात्र 24,000 कैश है, जबकि एक बैंक अकाउंट में 1,63,648 रुपए और दूसरे में 50 रुपए जमा है। इसके अलावा 1,70,150 रुपए की सेविंग्स भी दिखाई है। कन्हैया ने चुनाव लड़ने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए 11 दिनों में 70 लाख रुपए से ज़्यादा जुटा लिए। ट्वीट कर इसकी जानकारी उन्होंने खुद दी थी। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे के मुताबिक गिरिराज सिंह और उनकी पत्नी की कुल चल अचल संपत्ति 8,30,24,577 रुपए की है, जो 2014 में 5,54,771 रुपए थी। गिरिराज सिंह और उनकी पत्नी पर 1,22,36,000 रुपए की देनदारी है, जिनमें कार और होम लोन शामिल है। हलफनामे के अनुसार बात करें तो गिरिराज सिंह की 2014-15 में सालाना आय 5,72,428 रुपए थी, तो 2017-18 में यह आय बढ़कर 7,50,600 रुपए हो गई। वहीं आय की बात करें तो गिरिराज सिंह की 2014-15 में सालाना आय 5,72,428 रुपए थी, तो 2017-18 में यह आय बढ़कर 7,50,600 रुपए हो गई। वहीं करीब 1.50 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तनवीर हसन की, और इसके साथ ही उन पर कुछ लोन भी है। एक संभावना के मुताबिक तनवीर हसन भी करोड़पति उम्मीदवार हैं, जो कि राजद से चुनावी मैदान में उतरे हैं और यहाँ लड़ाई तिनकोनीय बनी हुई है। 23 मई को ये फैसला होगा कि इन तीनों में से कौन बेगूसराय का सांसद बनेगा। ये मत वहाँ पर हो चुका है और आने वाले 23 तारीख को इसका निर्णय होगा। अभी यहाँ से जो अमीरी और गरीबी का है, हमने आपको बताया कि कौन प्रत्याशी के पास कितना पैसा है और कितने अमीर हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया।